ये है अमीर लड़की, ये है अरविंद और अरविंद के बूढ़े पिताजी जो बहुत गरीब हैं। जो अरविंद से प्यार करती है और अरविंद भी इसको बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरविंद तुम कहाँ हो? आज हमारा जन्मदिन है, हमारे लिए क्या गिफ्ट लेके आओगे? हाँ प्रिया, हाँ मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी। ओके बाय। बाय प्रिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गिफ्ट कहाँ से लाऊं? पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे अरविंद बेटा, तू तो जानता है मेरे पास पैसा कहाँ है, घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। मुझे पता है पिताजी, मुझे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट ले जाना है। अरे बेटा अरविंद, ये गिफ्ट और पार्टी हम गरीबों को शोभा नहीं देता, ये तो अमीरों के चोचले हैं। ये सब छोड़ो पिताजी, कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए गिफ्ट के लिए। देख बेटा, तेरी माँ के कुछ गहने रखे हैं जो ले जा, उन्हें बेच कर गिफ्ट ले आ, और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। और उन गहनों का मैं क्या करूँगा, वो तो सब कुछ तेरे ही हैं। सस्ता गिफ्ट लेके आया है, जब तेरी औकात नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने की तो क्यों बनाता? तुम जैसे घटिया इंसानों की यही औकात है। प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्द बड़ा आदमी बन जाऊंगा और तुम्हारी सारी सब पूरी करवा दूंगा। अरे जा भिखारी, तेरे पास क्या है? जा ले जा अपना प्यार और किसी गरीब लड़की से शादी कर लेना, जैसे करोड़पति लड़की के बारे में भी सपने में भी मत सोचना। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी बनकर तुम जो चाहोगी वो ला कर दूंगा। तुझे पता है कि मैं एक अमीर की बेटी हूँ और इन्हें देखो, ये है हमारे अमीर बॉयफ्रेंड, और हमें नई नई गाड़ियों में भी घुमाते हैं और हमारे लिए आज नई गाड़ी भी ली है। तुम्हारी औकात तो अच्छी दुकान पे बाल कटवाने की भी नहीं है, तुम गरीब आज भी नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ के बाल कटवाते हो। गाँव में ऐसी होता है ना। प्रिया तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, ऐसा ही होता है। क्यों राज, इसकी मैं इतनी बेइज्जती करती हूँ पर ये फिर भी यहीं खड़ा है। प्रिया हम गरीब सच्चा प्यार करते हैं इसलिए नहीं जाता, ये अमीर लोग तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। राज भी सच्ची ही मोहब्बत करता है। क्या कहा तूने, तेरी इतनी मजाल गिरगिट के शक्ल के, चल निकल यहाँ से। और सुन, कभी प्रिया के पास दिखाई दे गया ना तेरी आंखें नोच लूंगा, चल निकल यहां से। चलो राज, भिखारी ने सारा मूड खराब कर दिया। चलो 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 बेबी। Oh.
अरे पिताजी तुम बैठो, मैं काम करता हूँ। करने की अभी उम्र है, काम तो मैं कर ही लूंगा। पिताजी तुम्हारे लिए तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ। अरे बेटा तू दिन में काम करेगा तो तेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं पढ़ाई रात में कर लिया करूँगा। पिताजी आप यहाँ पर आराम करो और मैं काम करता हूँ और पढ़ाई रात में कर लूँगा, और मालिक आ जाएंगे फिर उनसे पैसे ले लूँगा और हम फिर दवा लेने चलेंगे, आप आराम करो। पे इसीलिए गुस्सा आती है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हराम का पैसा चाहिए। सोया पड़ा है, अब मैं इस बुड्ढे को सबक सिखाता हूँ। बुड्ढे तुझे हमारे पिताजी काम करने के पैसे देते हैं या आराम करने के? हराम की ज्यादा सूझ रही है तुझे। मालिक पिताजी को बहुत तेज बुखार है इसलिए लेट गए, मालिक कुछ पैसे दे दो, मैं पिताजी को दवा ले आऊँ, दवा खाकर फिर से काम पर लग जाएंगे। ओहो ये तुम्हारे ही पिताजी हैं, तुम दोनों बड़े चालू हो। बाप बुखार का बहाना करके आराम फरमाता है और बेटा दवाई का बहाना करके पैसा ऐंठता है। हाँ हम जैसे करोड़पति लड़कियों को भी पटाता है कि हम बहुत जल्दी अमीर बन सके, और यह क्या प्लानिंग है? मैं तो इसके बेटे को ही चालू समझ रही थी, पर बुड्ढा तो इससे बड़ा तेज निकला। दोनों के दोनों हराम की खाना चाहते हैं। देखो तुम इससे बात करो, हम लोग गरीब हैं मगर इज्जत हमारी भी है, हमको भी बुरा लगता है। अमीने अभी तेरी खाल खींचता हूँ और पापा से कहकर नौकरी से बाहर करता हूँ। चलो तुम पापा जी समझ लो, मैं इन भिखारियों को अच्छी तरह से, मुझे पता है कि मैं कैसे समझती हूं। तूने हमसे पंगा लिया है बेटा, अपने बुड्ढे बाप को लेकर और यहाँ से निकल, और यहाँ पे आज के बाद दिखाई मत देना। चलो ठीक किया, ऐसे गरीबों की यही औकात है। बेटा बहुत बेइज्जती हो गई है, अब हमें मर जाना ही चाहिए। पिताजी चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। सर पर बहुत कर्ज है, ऊपर से तेरी पढ़ाई की चिंता मुझे खाए जा रही है, और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, और जो नौकरी कर रहे थे अब वो भी नहीं है, अब क्या खाओगे? पिताजी भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा भगवान भी सिर्फ अमीरों की सुनता है, हम जैसे लाचार गरीबों की नहीं सुनते। पिताजी आप आराम करो, मैं दवा लेकर आता हूँ। Lucy. पिताजी ये आपने क्या कर दिया, आपको ये सब नहीं करना चाहिए।
पिताजी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब जीकर क्या करूँगा, अब मुझे भी मर जाना चाहिए। अरे अरे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम नौजवान होकर अपनी जान देना चाहते हो, मगर क्यों? अब मैं आपको क्या बताऊं? कोई बात नहीं, जो हुआ उसके लिए भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हो और हमारी मदद करना क्यों चाहते? मैं एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, कल ही आया हूँ, हमारी बनारस में पोस्टिंग थी। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है, मैं भी अधिकारी बनना चाहता था मगर गरीबी के चलते मैं अधिकारी नहीं बन पाया। देखो, अगर तुम्हारे पास IAS बनने का हुनर है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरा सहयोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, तुम्हारा सपना आज हकीकत में बदल गया। हाँ प्रिया, इतना दिन क्यों बुलाया? यार, जब से नया कलेक्टर आया जब से मेरे पापा का धंधा चौपट कर दिया है। मेरे पापा पे बहुत कर्जा हो गया है और मेरे पापा बहुत टेंशन में है, क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो? देखो यार, हमारे पास पैसे नहीं है, सारा पैसों का हिसाब किताब हमारे पिताजी रखते हैं। तुम अपने पापा से बोलो कुछ पैसे मुझे अपनी फ्रेंड को देने। कैसी फ्रेंड है तुम्हारी जो पैसे मांग रही है? इसमें सोचने वाली क्या बात है, बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है। देखो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ऐसा करो कि अपने दोस्तों से हेल्प मांग लो। यार, तुम ये बताओ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों जल्दी भी शादी करने वाले, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा? हमारी शादी होने वाली है, मैं तो सिर्फ तेरी दौलत से प्यार करता था, तुझसे नहीं। यार प्लीज ऐसा मत करो। अब हमारे पापा और रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि अब तुम रोड पर आ चुकी हो और तुम्हारे पापा के हाथ में कटोरा। कितनी बेइज्जती होगी, सब लोग कहेंगे कि गरीब लड़की से शादी कर ली। चल हट, निकल यहाँ से। हाँ प्रिया, ये जब से नया कलेक्टर आया है जीना मुश्किल कर दिया है, मगर मेरे पास एक प्लान है। तुम बहुत खूबसूरत भी हो और नए कलेक्टर को अपने प्यार में फंसा लो, फिर तुम्हारा भी काम चलने लगेगा। तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं कलेक्टर को नहीं जानती। आज कलेक्टर साहब हमारे गांव आ रहे हैं।
कलेक्टर से प्राइवेट मिलने के लिए आई, हमारी कंपनी में छापा गिरवा दिया। सुन, मैं बाद में बात करती हूँ। तू वही गरीब बुड्ढे का बेटा है जो अपने बाप के साथ में बुखार का और दवाई का बहाना करता था? क्या बैंक में चोरी की जो इतने अच्छे कपड़े पहरे? तुम्हें पता है किससे बात कर रही हो? क्यों, सूट उट पहन के अपने आप को बहुत बड़ा कलेक्टर समझ रहा है? सुन, चप्पल चाहे कितनी ही महंगी हो, उसकी औकात पैरों के ही नीचे ही होती है। उसी तरह तुम गरीब मजदूर लोग कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, पर तुम गरीबों की औकात हमेशा अमीरों से नीचे ही होती है। चल निकल यहाँ से, इस बार छोड़ रही हूँ, पर आगे से दिख मत जाना। अरे यार, कहाँ रह गए तुम्हारे सर? मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ और मेरा पूरा मूड खराब हो गया। क्यों, सर नहीं आए अभी तक? उन्होंने हमसे कहा पहुँच गए। नहीं आए सर, वरना अब तक तो कब के पटा लेती। चलो कोई नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी सर, मैंने बात की थी अपनी फ्रेंड के लिए, ये भाई है। क्या यही है नए कलेक्टर? ये हैं हमारे शहर के नए कलेक्टर। सॉरी, सही पता था कि आप कलेक्टर हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या कहा, माफ कर दूं? याद करो, ठीक इसी जगह तुमने हमारे बूढ़े बाप की बेइज्जती की थी और हमें यहाँ से भगा दिया था। और हाँ, आपने हमारे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। आपको पता है, जब हम गरीबों का दिल टूटता है तो सीधा UPSC क्लियर होता है। पता है, तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त के पिताजी ने खुदकुशी कर ली थी और अरविंद भी बहुत दुखी था। फिर मैंने समझाया और हेल्प भी की, तुम जैसे अमीरों का घमंड तोड़ सके। अरविंद ने वही किया, तुम्हारे जैसे लोगों के दो नंबर के धंधे बंद करवा दिए, गरीबों का पैसा फिर से गरीबों में बंटवा, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जेल भेज सके। सर मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल मत भेजो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तुमने हमारे सच्चे प्यार को ठुकराया और उसका मजाक बनाया, इसलिए आज देखो भगवान ने तुमको हमारे पैरों में ला दिया। अगर हमारे प्यार की कीमत समझती तो तुम्हारी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में होती। इसलिए आगे से एक बात ध्यान रखना, किसी गरीब या मजदूर की गरीबी का मजाक कभी मत उड़ाना। वक्त सबका बदलता है, और हाँ, ये घटिया लोगों को शोभा नहीं देता।